और अब वक्त हो चला है हमारे नगर की पहचान का। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पंडित श्रीधर व्यास से। मैं हूं शैलेंद्र पाराशर, आज आपको रूबरू करा रहे हैं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ पंडित श्रीधर व्यास से। संगीताचार्य पंडित श्रीधर व्यास उज्जैन नगर में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित शिव नारायण जी व्यास एवं श्रीमती मेनाबाई के यहाँ दिनांक 30 जुलाई 1941 को पैदा हुए। संगीत विद्या श्रीधर व्यास के परिवार में वंश परंपरा के रूप में विकसित रही है। ऐसे यशस्वी पिता के सानिध्य में पंडित श्रीधर व्यास ने गायन, हारमोनियम, जल तरंग, तबला तथा मृदंग वादन की शिक्षा प्राप्त की। इसी के साथ साथ गायन की शिक्षा के लिए पंडित श्रीधर व्यास ने माधव संगीत विद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किया। वहाँ नृत्य मर्मज्ञ नृत्याचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम दादीजी के सानिध्य में आए और इस तरह संगीत के शेष रहे एक पक्ष नृत्य के भी छात्र बन गए। इस तरह गायन, वादन और नृत्य को अपनाकर संपूर्ण संगीत कला के लिए पंडित श्रीधर व्यास ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में संगीत प्रवीण, गांधर्व महाविद्यालय मुंबई द्वारा वाद्य विशारद, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ द्वारा संगीत वित्त की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। संस्थागत शिक्षण के साथ ही श्रीधर व्यास को समाज की अन्य गुणी संगीत प्रतिभाओं का सानिध्य मिला, जिनमें आपके संगीत शिक्षा प्राप्त की। इन विशिष्ट प्रतिभाओं में पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज, पंडित शारदा साय जी, पंडित नानूराम जी आर्य, स्वर्गीय पंडित नरसिंह दास महंत, जिनके द्वारा तबले की परंपरागत उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की। स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास नाथ द्वारा एवं स्वर्गीय श्री रामदास शर्मा पखावजी मुंबई से मृदंग, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास नाथ द्वारा एवं स्वर्गीय श्री रामदास शर्मा पखावजी मुंबई से मृदंग, श्री मुत्तु स्वामी द्वारा मूर्चंग वादन, श्री महादेव प्रसाद यादव से सितार, श्री बिहारी लाल पंड्या द्वारा ध्रुपद धमार चतुरंग तराना गायन, श्री वेदाचार्य पंडित नरहरि शुक्ल से ऋग्वेद, श्री दुर्गा प्रसाद कत्थक इंदौर द्वारा तबला शिक्षा, श्री नटवर लाल शाह एवं आगरा घराने के उस्ताद बस्सू खां से ख्याल गायकी तथा संपूर्ण कथक नृत्य की शिक्षा डॉक्टर पुरु दाजी से प्राप्त कर स्वयं एक महान एवं विशिष्ट प्रतिभा के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है। संगीत मर्मज्ञ पंडित व्यास दुर्लभ वाद्य जल तरंग, लोह तरंग, मूर्चंग, पखावज, तबला तरंग, सुर बाहर के साथ ही तबला, सितार, बांसुरी आदि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्यों में दक्ष हैं तथा पाश्चात्य वाद्य भी उनसे अछूते नहीं हैं। पंडित विशन महाराज, बिरजू महाराज, अमजद अली, रोशन कुमारी, स्वर्गीय पंडित शांता प्रसाद, शारदा सहाय, रामदास पखावजी, पंडित पुरुषोत्तम दास पखावजी, रमाशंकर पागलदास, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, मालविका मित्रा, मधुकर आनंद, रोनू मजुमदार के साथ अनेक कला मंचों पर आप सहभागी बने हैं। आपके पास अनेक वाद्यों का संग्रह है। इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको आपकी कला प्रतिभा के लिए मालव रत्न,
संगीताचार्य, नृत्याचार्य, श्रेष्ठ कलाचार्य, संगीत प्रवीण, उस्ताद, खलीफा, महाकाल सम्मान, वाद्य विशारद, कलाधर, धुपद श्री चौमुखी कलाकार एवं वांगेकार इत्यादि विभिन्न उपाधियों से अलंकृत किया है। आपको भारत के विभिन्न नगरों में विशिष्ट संगीत संस्थाओं द्वारा अभिनंदित तथा सम्मानित किया गया है। इन संस्थाओं में प्रमुख हैं संगीत विद्यापीठ मानव मंदिर मुंबई, ब्रज कला मंडल मुंबई, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन वृंदावन, ब्रज कला केंद्र मथुरा, कथक केंद्र दिल्ली, श्री गोविंद स्वामी पंचशती समारोह नाथद्वारा, मीरा कला मंदिर उदयपुर, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, ध्रुपद कला केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश, संस्कृति कला परिषद भोपाल, पूज्य स्वामी लक्ष्मण चैतन्य महाराज वाराणसी, अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन उज्जैन, उत्सव महाकालेश्वर उज्जैन, कालिदास अकादमी उज्जैन, सुर सिंगार संसद मुंबई, साउथ सेंटर जोन नागपुर, अभिनव कला परिषद भोपाल सहित अनेक संस्थाओं ने समय समय पर आपको सम्मानित और अभिनंदित किया है। सिंहस्थ कला उत्सव 2004 उज्जैन में भी आपका सम्मान किया गया। आपको 1984 में मधुबन संस्था द्वारा भोपाल में संगीताचार्य की उपाधि से अलंकृत किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा द्वारा भी सम्मानित व अभिनंदित किया गया है। चलचित्र कलाकार श्री सुनील दत्त, श्री अमजद खान, श्री मनमोहन कृष्ण आदि कई सीने कलाकारों ने भी आपको सम्मानित किया है। पंडित श्रीधर व्यास ने उज्जैन के भाक्सीपुरा में श्री हरि संगीत कला केंद्र की स्थापना वर्ष 1956 में की, जहां असंख्य विद्यार्थियों को गायन, वादन एवं नृत्य का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया। आप अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मिरज, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, ब्रज संगीत विद्यापीठ मथुरा की गायन, वादन तथा नृत्य तीन विधाओं के प्रतिष्ठित परीक्षक भी हैं। वर्ष 2002 में आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम देश के मूर्धन्य संगीतकार व वरिष्ठ नागरिक होने के कारण समस्त शिष्य मंडली द्वारा व्यापक स्तर पर मनाया गया था। देश के मूर्धन्य कलाकारों में पंडित श्रीधर व्यास का नाम अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। संगीताचार्य पंडित श्रीधर व्यास ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा से अपने कुल और नगर का नाम स्थापित किया है। आपके 3 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हैं। सिटी चैनल परिवार पंडित श्रीधर व्यास के सपरिवार स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना श्री महाकालेश्वर से करता है। उज्जैन आज में ये थी अभी तक की गतिविधियां। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।